प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी वकील सुबोही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये मैं सरकार का ही धन्यवाद करती हूँ कि ट्रिपल तलाक उन्होंने, तलाक बिद्दत उन्होंने बैन किया। एटलीस्ट कहा कि एक तिनके का सहारा कुछ बच्चियों को मिला जो बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करती थी ट्रिपल तलाक के कारण। फिर हमारे समाज में अगर ट्रिपल तलाक या कोई भी किसी भी तरह का तलाक देने के बाद आप अपनी उस बीवी से दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो आप उसको हलाला कराएंगे। हलाला के लिए उसको किसी दूसरे पर पुरुष के साथ, किसी नॉन महरम के साथ शादी करनी पड़ेगी। और सिर्फ ऑन पेपर शादी नहीं होगी, आपको कंस्यूमेट भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ेंगे दूसरे पति के साथ, फिर वो दूसरा पति आपको तलाक देगा, तब आप अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती हैं। तलाक पति ने दिया, गुस्सा उसको आया, आपा उसने अपना खोया, लेकिन भरेगी कौन? नारी। महिला का हलाला होगा, फिर वो दोबारा उसी पति से शादी करेगी जिसने इतने टॉर्चर से उसको गुजारा है। हमारे समाज में मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस आज भी होती है, और ये तो मैंने इवन पढ़े लिखे परिवारों में देखा है। इसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ अनपढ़ फैमिलीज में होता है। अंबर, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट कि पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी चार चार शादियां जायज है कहा जाता है। और कहते हैं कि जी पहली बीवी अगर इजाजत दे दे तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब वो बेचारी हालात की मारी ने किस हालात में इजाजत दी होगी, कोई जाके उसके दिल से तो पूछ लो। कभी किसी की, किसी आदमी की अगर मल्टीपल मैरिजेस हुई हो, आप एक स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, एक हिडन कैमरा लेके जाके उसकी पहली बीवी से बात कर लीजिए, वो बता देगी कि किस कंडीशन में किया होगा। इमोशनली साइकोलॉजिकली इज इट पॉसिबल? बहुत सारे केसेस में तो इजाजत ही नहीं होती, चुपके से करते हैं। लेकिन जिन केसेस में पहली बीवियां चुप्पी साधे होती हैं या कुछ बोल नहीं रही होती हैं, वो किस मजबूरी में करती होंगी? अंबर, एज अ वुमन आप सोचिए, इमोशनली साइकोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई अपने होते हुए अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर करे, तो ये संभव ही नहीं है। इस तरह की चीजें हमारी बच्चियों के साथ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत हाई टाइम है कि हमें ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाहिए कि पर्सनल लॉ के नाम पर किसी भी तरह का अपराध भारत की बेटियों के साथ नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हम कोई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल लॉ अगर बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है सरकारों को, तो मेरी ये भी सलाह है सरकारों को कि हम कोई एक स्पेशल एक्ट तो ला सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे कि 1986 में राजीव गांधी सरकार तो लाई थी मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये क्यों आया था? ये तो बड़ी चलाकी हुई थी। ऐसे ही अभी 2019 में भी मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया। ये दो स्पेशल एक्ट स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाओं के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2019 वाला एक्ट है वो सिर्फ ट्रिपल तलाक को पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए आया। उसने सिर्फ तलाक बिद्दत को एक अपराध बना दिया, इतना महिलाओं को फायदा हुआ। और 86 वाला एक्ट क्यों आया था? उससे ना तो कोई महिलाओं को फायदा हुआ, कहने को ही सिर्फ वो एक्ट आया। लेकिन मैं ये दो एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जैसे ये दो एक्ट्स आई, ऐसे एक और कोई एक्ट आए मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें अगर हम सिर्फ एक क्लॉज भी डाल देते हैं ना, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम उसमें अगर ये भी डाल देते हैं कि भाई जब तक देश में यूनिफॉर्म सिविल लॉ, कॉमन सिविल लॉ नहीं आती है, पर्सनल लॉ के नाम पर आप भारत की किसी भी क्रिमिनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते, यानी आप पॉक्सो एक्ट का वायलेशन नहीं कर सकते, आप आईपीसी का वायलेशन नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल प्रोविजन, क्रिमिनल लॉ जो भारत में दूसरे नागरिकों पर अप्लाई करते हैं, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते। इतना सिंपल सा क्लॉज डाल के अगर एक एक्ट आ जाती है तो वो बहुविवाह को भी रोक देगी, वो मिसयारनिका को भी रोक देगी, वो चाइल्ड मैरिजेस को भी रोक देगी, वो बहुत सारे अपराधों को रोक देगी जो अभी ये लोग बच जाते हैं कह के कि ये तो सिविल लॉज है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिविल लॉज है, आप रखिए अपने पास, बट नो सिविल लॉ कैन वायलेट और शुड वायलेट द क्रिमिनल लॉ ऑफ योर कंट्री।
तो एक इस तरह की हम पार्लियामेंट से एक एक्ट ला सकते हैं अंबर, तो ये मेरी भारत सरकार से एक अपील है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे भारत की बच्चियों को, भारत की बेटियों को सुरक्षा मिले। सुमी, हमने 1986 का जो कानून आया था राजीव गांधी द्वारा जो लाया गया था, उस पर हमने बात की, आपने भी उस पर काफी एम्फेसिस किया, और रिसेंटली हमने देखा है कि सिमिलर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। आखिर उस वक्त में ये कानून क्यों लाया गया था, इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या वोट बैंक की राजनीति या मुसलमान महिलाओं के बारे में कुछ और सोचा गया था, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी जी, देखिए अंबर, 1986 में जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 भारत की सरकार द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, उसे मैं मानती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत ही ब्लैक डे था, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक काला दिन था वो, कि लीगली भारत की सरकार द्वारा जो भारत के नागरिकों की सेवा करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए जो जनता द्वारा चुनी जाती है, वो जब अपनी क्षुद्र और फुटकर राजनीति करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं तो क्या होता है वो हमने देखा। शाहबानो केस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि एक केस हुआ था जिसमें एक मुस्लिम पुरुष ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, खुद दूसरी शादी कर ली थी, और जिस बीवी को तलाक दिया था उनकी उम्र 60 साल से भी ऊपर की वो महिला थी, उनके 5 बच्चे थे, उनको तलाक दे दिया था, उनको कुछ नहीं दिया था कि जाओ अब तुम अपना अपने आप देखो, और खुद एक यंग कम उम्र की महिला से शादी कर ली थी। अब वो महिला अपनी लड़ाई लड़ते 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 कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इनको गुजारा भत्ता मेंटेनेंस आपको देनी चाहिए, इस उम्र में ये कहाँ जाएंगी, किससे मांगेंगी, तो आपको इनको मंथली मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। जब कोर्ट से वो ऑर्डर आया तो आप ये सोचिए कि एक 60 साल की बूढ़ी महिला का मंथली मेंटेनेंस, जो उस समय में शायद 170 रुपीज समथिंग था, इतना अमाउंट राज सत्ता और धर्म सत्ता वालों को इतनी बड़ी चुनौती लगा कि सब सड़कों पे उतर गए, जितने रेडिकल मौलानाज, रेडिकल मुल्लाज और इस्लाम के नाम पे अपनी दुकानें चलाने वाले लोग थे कि नहीं नहीं जी, शरिया में तो ये होता ही नहीं है, शरिया में तो ये अलाउड ही नहीं है, और मुसलमान महिला को मेंटेनेंस सिर्फ 3 महीने तक इद्दत के पीरियड तक मिल सकती है। और जब इन स्कॉलर से पूछा गया तो उन्होंने कारण ये बताया कि भाई 3 महीने इद्दत तक इसलिए मिलती है कि तब तक ये देखा जाता है कि कहीं महिला प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो हम उसका खर्चा तब तक उठाते हैं, और उसके बाद तो वो किसी और दूसरे से निकाह कर ले तो फिर हमारी जिम्मेदारी थोड़ी रह जाती है। तो इन अकल के अंधों से कोई ये पूछे कि 60 साल की 62 ईयर्स की औरत क्या 3 महीने बाद दूसरा निकाह करेगी? आप उस उम्र में उसको छोड़ रहे हैं जब वो बेसिक अपनी जीवन जीने लायक भी नहीं बची है, वो निकाह कहाँ से करेगी? लेकिन ये छोटी सी लॉजिकल बात इन लोगों को समझ में नहीं आई और ये सड़कों पे उतर गए, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिए, राजीव गांधी सरकार पे दबाव बनाया गया, मुसलमान आपको वोट नहीं देगा अगर आपने इस फैसले को नहीं पलटा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को पलटने के लिए उस समय की सरकारों ने ये मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 लाया पार्लियामेंट में, और उसमें कैटेगोरिकली लिखा कि आप जो है कुछ, आप पढ़िए, ये भी बहुत छोटी सी एक्ट है, इसमें 2-3 पॉइंट्स ही हैं, कि आप जो है मेहर अदा करके छोड़ सकते हैं, दूसरा है कि वही 3 महीने के पीरियड तक आप मेंटेनेंस देंगे, वही इद्दत वाला, और एक पॉइंट देखिए कि अगर आपका कोई बच्चा है तो 2 साल तक बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी पिता की होगी, 2 साल तक, 2 साल के बाद तो बच्चे के रियल खर्चे शुरू होते हैं, पालेगी माँ, गार्डियन होगा बाप। हाँ वो तो खैर मानते ही हैं, शरिया में ये कहा जाता है कि मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। ये जब मुझे पहली बार पता चला था तो मेरे तो जुनून की हद तक सर पे सवार हो गया था कि मुझे इस घटिया कानून को खत्म कराना है, कि क्योंकि मैं खुद भी एक 6 साल के बच्चे की माँ हूं अंबर, आप तो मिली है मेरे बेटे से, कबीर से, कि आप मतलब अल्लाह ताला ने आपकी कोख में जान डाली, अल्लाह ने आपको उसका नेचुरल गार्जियन बना के भेजा, अल्लाह को भरोसा है कि आपकी कोख में वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये घटिया रेडिकल लोग ये तय करेंगे दैट मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन। शर्म, आप मतलब आप घटियापन का स्तर देखिए, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड, ये शरिया के नाम पे ये बात। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और सुबोही खान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे आपने देखा
वकील सुबुई खान ने एक्सप्लेन किया कि कैसे शरिया के नाम पे ना सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को बेचा जाता है बल्कि पहले तलाक देके उसके बाद उनका हलाला भी किया जाता है। और देखा आपने, सुबुई खान और अंबर जैदी ने मिलकर इन मौलवी मौलानाओं को एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए सिर्फ दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।